या हेलो एवरीवन, सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस इंस्टा सॉल्व लाइव सेशन। और आज करने वाले हैं सर्कल्स का खात्मा। तो सर्कल एक्चुअली विल बी डूइंग टुडे दिस सर्कल पार्ट टू। ओके, आई होप आई एम ऑडिबल एंड एवरीवन। हाँ पृथ्वीराज, एक्चुअली देर वाज सम अर्जेंट मीटिंग रिगार्डिंग योर क्लासेस एज वेल, मतलब क्लासेस के लिए ही था। तो दैट वॉज इम्पॉर्टेंट जो एंड टेक्निक, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। डेफिनेटली इट विल नॉट बी, मतलब ओके। सो आई होप एवरी वन हैज ज्वाइंड। हाई निथुन, हेलो पृथ्वीराज। सो क्या पहला का क्वेश्चन कुछ सॉल्व किया है आप लोगों ने? हेलो इंस्टा सॉल्व यूजर 375410, आप अपने ओरिजिनल लाइन से आ जाइए जल्द। हेलो बिकी, हाय ब्रॉक लेसनर। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज द सर्कल्स, राइट? सर्कल पार्ट टू, उसमें अपन कंप्लीट करने वाले हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ सर्कल। I'm Sona. Okay. Hi Anjali, how are you? Length of tangent of circle, radical axis and directed circle, orthogonal circles, right? So इन concepts को आज करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कितना कर सकते हैं, right? No need to worry, अगर कोई भी problem होता है, हाय प्रतीक, right? अगर कुछ concept बच भी जाता है तो कोई नहीं, अपन कर लेंगे उसे फिर से, right? So आज ये टेलीग्राम, अच्छा आज मैंने एक क्वेश्चन भेजा था तुम्हें, क्वेश्चन भेजा था इस चैनल पर। हैव यू गाइस ट्राइड दोस क्वेश्चन? कितने लोगों ने ट्राई किया उन क्वेश्चन को जो मैंने इस टेलीग्राम चैनल पे भेजा था आज? प्रतीक राज, ओके। हाय सरगम, क्वेश्चन किया था कि नहीं टेलीग्राम पर? ये है ना कि इंस्टा जेई नाम का चैनल है हमारा टेलीग्राम पर, जेई नीट क्रैश कोर्स के नाम से, राइट? उसको कर लेना, कोई नहीं ट्राई कर लेना। हाय कल्पना, हेलो अनु, हाय पिंटू बाबू। सो सब लोगों को ओके, आई एम डे आई ओके। सो प्रतीक राज क्या आंसर था? अलीना द स्टडी लवर, ओहो हाय अलीना। सो गाइस एक काम करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले, राइट, ये क्वेश्चन मतलब कि फैमिली ऑफ सर्किल उन सब चीजों को स्टार्ट करने के पहले अपन ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन है, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 5/2,1 टू द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 1,√3, 1,-√3 एंड 3,-√3, राइट? तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा ट्रू एंड फॉल्स का, और यही क्वेश्चन था जो मैंने तुम्हें गिवे दिया था टेलीग्राम पर, राइट? ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है ये, तो बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, कोई रीजन बताएगा क्या? इतने लोगों ने बताया, बहुत सही, अच्छी बात है। अंजलि, मनोज, अंशु, अलीना, रोशनी, अंकुश, अनु, प्रतीक राज, पृथ्वीराज, कल्पना, कल्पना चावल, इट शुड बी कल्पना चावला और कल्पना चावल, कल्पना दाल, कल्पना रोटी टाइप। जोक्स अपार्ट, सीरियसली मत लेना, इट्स जस्ट ऐसे मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो क्यों ट्रू है बताओ। हाँ बताओ बताओ बताओ, क्यों ट्रू? ट्रू तो है, चलो मैं तुम्हारा बताता हूं आंसर, सही है ट्रू, बट क्यों ट्रू है वो? बस रीजन, मेन रीजन बता दो क्या है, अब नहीं बताओगे तो करना पड़ेगा। मान के चलते हैं कि ये तुम्हारा ए है और ये बी है और ये सी है, राइट? ए बी सी 3 पॉइंट, ओके। अब ऐसे मान के चलो कि अगर तुम्हारे पास ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ओके, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और अब यहां पे मुझे करना है
ए, 1, √3, कुछ यहाँ पे ए होगा, 1, −√3, तो एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज जाएगा नीचे, राइट, ये तुम्हारा बी होगा, एंड 3, −√3, तो मतलब ये तुम्हारा यहीं पे आएगा ऐसा कुछ, दिस विल बी सी, इस तरह का ये ट्राइंगल होगा या नहीं बताओ गाइस एवरीवन, बताओ, दिस इज 1, √3, राइट। हाँ, तो बताओ ना ब्रोकलोस। अच्छा, ये अगर ट्राइंगल होगा तो मतलब सिंपल सी बात है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, राइट एंगल ट्राइंगल है तो सर्कम सेंटर क्या होगा, सर्कम सेंटर क्या होता है पहले तुम लोग बताओ, सर्कम सेंटर क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, सर्क्यूम सेंटर क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मैं कह रहा हूं एलिना, मतलब कि क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूं, तुम्हें नहीं पता मिड पॉइंट ऑफ, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू लिसन, यस मनीष, हाँ यही सुनना चाहता था मैं, दैट्स ओके पृथ्वीराज, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो सबका होता है राइट, राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ स्पेशल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट बन जाता है राइट, तो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट क्या होगा बताओ, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट हो जाएगा 1 + 3/2 एंड √3 + −√3/2, मतलब 2, 0, 2, 0, मतलब ये एम हो गया राइट। अब मुझे गाइस बताओ कि तुम्हारा रेडियस कितना होगा इसका, ये तुम्हारा सेंटर हो गया तो रेडियस क्या होगा, एम बी एम ए एम सी ना, ये तुम्हारा एक सर्कल बनेगा इस डायमीटर के साथ में, तो इसका एम क्या बनेगा, ए एम विल बी द डायमीटर, ए एम विल बी द रेडियस, तो रेडियस निकालो तो कितना आ जाएगा, 2 − 1 का होल स्क्वायर + 0 − √3 का होल स्क्वायर √4 एंड दैट्स 2 राइट, तो 2 आ गया रेडियस राइट। अब मैं कहूं एक पॉइंट पी है जो कि ये पी पॉइंट मान लेते हैं, पी इज 5/2, 1, अब पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं सेंटर से कितना है कि नहीं, इस पॉइंट पी का सेंटर निकाल लेते हैं, तो पीएम की लेंथ कितनी होगी बताओ, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, इनकी लेंथ तो बहुत है बट पीएम हमारा यहाँ पे है, पी पॉइंट पी और पॉइंट एम के बीच का डिस्टेंस, तो पॉइंट पी मतलब 5/2 − 2 का होल स्क्वायर + 1 − 0 का होल स्क्वायर राइट, 2, 0 यहीं पे होगा, तो कितना आ गया, 5/2 − 2, 1/2, 1/4 + 1 √5/2, √5/2, 2.236 समथिंग अप्रोक्सीमेटली बाई टू समथिंग 1.118 राइट। तो देखो तुम्हारे पास आ गया पीएम लेस देन रेडियस राइट, मतलब पी इज इनसाइड दी, पी इज इनसाइड सर्कल ना, और अगर कोई भी पॉइंट अंदर लाई करेगा, ये सेंटर हो गया एम, कोई भी पॉइंट अंदर लाई करेगा, ये इस तरह का ट्राइंगल है, तो उस पे टेंजेंट कितने बना सकते हो आप, कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो यहां से, 0 ना, 0 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, क्यों, क्योंकि सोचो कि अगर तुम्हारे पास पॉइंट बाहर हो तो आप एक दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो बाहर से, अगर आपके पास पॉइंट जो है सर्कल पर हो तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, और अगर पॉइंट सर्कल के अंदर हो तो 0 टेंजेंट, है ना, तो ऑप्शन नंबर मतलब कि ये दिस विल बी ट्रू राइट, इट इज ट्रू, सो दिस इज द आंसर, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आगे बढ़ते हैं ठीक है, गुड। तो गाइस उसके पहले मैं इसको डिस्कस करने से पहले तुम्हें एक बेसिक सा बताता हूं बात, कि अपन लोग एक रफ पेज लेता हूं ठीक है, रफ पेज में अपन लोग यहाँ पे सॉल्व करके पढ़ते हैं फैमिली ऑफ सर्कल ठीक है, तो बताओ व्हाट इज फैमिली ऑफ सर्कल, मैंने कल बताया था तुम्हें कि फैमिली ऑफ सर्कल विल बी व्हाट, अगेन फैमिली वो होती है जो कि किसी ना किसी कंडीशन से बंधी होती है राइट, फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल इंसानों में क्या होता है, इंसानों में रिलेशन से बंधे होते हैं, किसी ना किसी रिलेशन से बंधे होते हैं, और तुम्हारा फैमिली ऑफ सर्कल इन अपने कोऑर्डिनेट में क्या होगा, कुछ ना कुछ कंडीशन से बंधा होगा राइट, कुछ ना कुछ कंडीशन से बंधा होगा, जैसे मैं बोलूं कि फैमिली ऑफ ऑल सर्कल हैविंग सेम सेंटर
इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इस फैमिली में तुम्हारा ऐसा होगा, जैसे ये एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया, अब इसके सबका सेंटर सेम है इस सबका सर्कल सेंटर सेम है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, राइट। सो इनका इक्वेशंस क्या होता है, अगर मान लो सेंटर अल्फा कॉमा बीटा हो, तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे तुम्हारा अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट हो जाएगा क्योंकि सेंटर कॉन्स्टेंट है, एंड आर विल बी द रेडियस विच इज वेरिएबल, राइट, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। अलीना सिक्स ग्रेड के लिए तो डियर ये नहीं है। अच्छा, अब ये अगर क्लियर है तो अपन लोग एक काम करते हैं कि इस तरह की फैमिली हो गई। अब मैं तुमसे कहूं कि व्हाट इज द फैमिली ऑफ सर्किल विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। मैं कहूं एक सर्कल है मेरे पास एस वन इक्वल टू जीरो, दूसरा है एस टू इज इक्वल टू जीरो, और दो सर्कल कुछ इस तरह से हैं, राइट, और वो दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, एस वन इक्वल टू जीरो एंड एस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ओके ईश्वर सिंह। तो अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये तुम्हारा जो ए बी है, दीज आर द ए बी इज इंटर ए बी आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, राइट। तो ए एंड बी जो होगा वो क्या होगा, द ए एंड बी आर दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एंड द लाइन। तो बड़े आराम से मैं एक चीज कह सकता हूं, बहुत आराम से मैं एक चीज कह सकता हूं कि ए बी इज द कॉमन कॉर्ड, इजेंट इट, ए बी इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ दीज टू सर्कल्स। बोलो, ए बी इज द कॉमन कॉर्ड ना, दिस इज कॉमन कॉर्ड, राइट। अब मुझे बताना है फैमिली ऑफ, या ऐसा बोलूं इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सर्कल विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ एस वन एंड एस टू, राइट। तो आपने कल लाइन में देखा था कि दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, और कितने सर्कल होंगे जो कि दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं, इनफाइनाइट सर्कल्स, राइट, इनफाइनाइट सर्कल्स। एक ऐसा सर्कल हो सकता है, राइट, एक ऐसा सर्कल हो सकता है कि नहीं, एक ऐसा सर्कल हो सकता है, ऐसा सर्किल हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल्स कैन बी देयर। तो इसका मतलब है कि सिंपल दिस इज एस वन प्लस लैम्डा एस टू इज इक्वल टू जीरो। बोलो ये बात क्लियर है क्या सबको, ये बात सबको क्लियर है ना, एस वन प्लस लैम्डा एस टू इज इक्वल टू जीरो। अब अगर ये एस वन प्लस लैम्डा एस टू इज इक्वल टू जीरो है, तो मैं कहूं अगर सर्कल तुम्हारा एस वन, पहला वाला सर्किल का इक्वेशन मान के चलते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, प्लस दूसरे वाले सर्कल का इक्वेशन अपन लोग मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी टू एक्स प्लस टू एफ टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ठीक है, विस्तार से ही तो बता रहे हैं ना सर। हाउ इज द मेथड टू बिकम अ टीचर ऑन अच्छा आंसर, तो आंसर इकबाल, आप जस्ट देखिए लिंक्डइन पे ढूंढिए, आप डेफिनेटली यू कैन अप्लाई देयर, ओके। आप लिंक्डइन पे आइए, लिंक्डइन पे आपको मिल जाएगा, इंस्टा सॉल्व सर्च करिए आप, ओके। तो ये चीज हो गया। अब हम अगर कहें यहां पे कि इसको मैं कहूं कि वन प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी वन प्लस लैम्डा जी टू एक्स, ठीक है, प्लस ट्वाइस एफ वन प्लस लैम्डा एफ टू वाई प्लस सी वन प्लस लैम्डा सी टू। गाइस बताओ ये बात क्लियर है, ये फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन आ रहा है, ये फैमिली ऑफ, परेश रावल जी की डायलॉग यहां आप मत करिए डियर, यहां पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कॉफिशियंट वन होना चाहिए। वन करने के लिए वन प्लस लैम्डा से मैं डिवाइड करूंगा ऊपर नीचे, राइट। अब वन प्लस लैम्डा से ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी वन प्लस लैम्डा जी टू एक्स अपॉन वन प्लस लैम्डा कॉमा प्लस ट्वाइस
ट्वाइस ऑफ एफ वन प्लस लैम्डा एफ टू अपॉन वन प्लस लैम्डा प्लस सी वन प्लस लैम्डा सी टू अपॉन वन प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो। बफरिंग हो रहा है तो डियर दैट इज इंटरनेट प्रॉब्लम, राइट? अगर आपके एंड पे बफरिंग हो रहा है तो वो आपके एंड पे इंटरनेट का इशू है। ओके सो गाइस, अब यहां पे बताओ, यहां पे सेंटर क्या होगा? यहां पे सेंटर हो जाएगा माइनस ऑफ जी वन प्लस लैम्डा जी टू अपॉन वन प्लस लैम्डा एंड माइनस ऑफ एफ वन प्लस लैम्डा एफ टू अपॉन वन प्लस लैम्डा। सो गाइज, मेरा इतना करने का सिंपल मतलब था कि मैं तुम्हें बड़े सिंपल से भी समझा सकता था, बट इसका सिंपल मतलब है कि यहाँ पे वन प्लस लैम्डा शुड नॉट बी जीरो, अदरवाइज सेंटर डिफाइंड नहीं होगा, और सेंटर डिफाइंड नहीं हुआ तो ऐसा सर्कल कौन सा है, राइट? तो मतलब लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, लैम्डा शुड, फॉर्मूला मत बोलो रुमेशा, फॉर्मूला नहीं याद करना अपन को, राइट? तो ये लैम्डा की वैल्यू माइनस वन आ गई। अगर आपको इस फैमिली ऑफ मतलब एस वन प्लस लैम्डा एस टू इज इक्वल टू जीरो विल रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ सर्कल फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्डा विच इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। ओके एवरीवन, लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये तुम्हारा हो गया। अच्छा, ये चीज अगर क्लियर है तो मैं तुम्हें एक बात और बताऊंगा कि अगर यहां से देखो, ऐसा, हाँ, वीडियो क्वालिटी अपन की ये क्वेश्चन वाली पार्ट का सही आ रहा है, बट ब्रॉक लिसनर घर से क्लास ले रहे हैं तो लैपटॉप के कैमरे से चल रहा है, दैट्स वाई हमारी वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। ओके, बट क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना आपको, दैट शुड दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, अब बात क्या है जो मैं नेक्स्ट करने वाला हूं, फैमिली ऑफ सर्कल, उसका फैमिली ऑफ सर्कल क्या होगा? अगर मैं कहूं कि ये तुम्हारे पास एक सर्कल एस है इक्वल टू जीरो और ये एक लाइन है एल इज इक्वल टू जीरो, राइट? तो व्हाट इज द फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द सर्कल, राइट? लाइन एंड द सर्कल, राइट? तो इसका फैमिली ऑफ सर्कल अपन लिखते हैं क्या, एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू जीरो, राइट? फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है गाइस, ध्यान से सुनो। और उसके बाद एक और बात कर लेते हैं कि सपोज अगर मेरे पास, मैं ये कहूं कि ये एक सर्कल है, ठीक है, फाइंड दी गाइज, एवरी वन, जितने लोग आप फोकस नहीं कर रहे हो प्लीज फोकस करो, दिया, दिव्या, आप जो लोग पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के लिए मैंने कल भी बोला हूं कि क्लास में एक बच्चा ऐसा ही जाता है जिसको कि रोज सुनाना पड़ता है, राइट? तो ऐसा मत करो, आप वो मत बनो, आप फोकस करो प्लीज, ऐसा मैं बता रहा हूँ। ये सेकेंड केस था फैमिली ऑफ सर्कल का, थर्ड ये हो गया, राइट? फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द सर्कल, बस ध्यान से सुनना, टचिंग द सर्कल एस इज इक्वल टू जीरो एट अल्फा कॉमा बीटा। तो मतलब ये देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट तुम्हारा अल्फा कॉमा बीटा है, तो कितने ऐसे सर्कल होंगे जो कि इस सर्कल एस इज इक्वल टू जीरो को अल्फा कॉमा बीटा पे टच करेंगे, बताओ? कितने ऐसे सर्कल होंगे जितने जो कि इस गिवन सर्कल को अल्फा कॉमा बीटा पे टच करेंगे? हाँ सिद्धार्थ, ये दिख रहा है, नहीं, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल को नहीं कंटेन करता अमिनेंद्र, राइट? सो देखो, अब यहां पर अगर मैं करूं तो देखो कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, राइट? इनफाइनाइट सर्कल्स है। तो एक्चुअली क्या है, अगर सोचो कि ये ऐसा होता और ये ऐसा होता, तो मैं बोलता हूं इनके इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो मैं एस इज इक्वल टू जीरो और ये जो ये पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट पी की बात करें, तो इसको मैं क्या ये कह सकता हूं कि जो पॉइंट अल्फा कॉमा गिवन है ये, दैट इज पॉइंट सर्कल, राइट? पॉइंट सर्कल है, तो मतलब इसका इक्वेशन मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि रेडियस जीरो होगा पॉइंट ऑफ सर्कल का। तो फैमिली ऑफ सर्कल में ऑल द सर्कल्स इन द फैमिली आर इंटरसेक्टिंग द बोथ द सर्कल्स, वन इज द एस इज इक्वल टू जीरो, अनदर इज पॉइंट सर्कल। इसका मतलब इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा एस प्लस लैम्डा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, राइट? दिस इज द फैमिली ऑफ सर्कल, बोलो ये बात क्लियर? एस को मैंने ये ले लिया, ठीक है? एक ये तरीका होता है,
दूसरा तरीका है, जो चौथा तरीका बचा है मैं उसको बता रहा हूँ, पांचवा एक्चुअली तो पांचवा है, एक तो कॉन्सेंट्रिक का था, तीन यहाँ हो गए, पांचवा केस यह है कि अगर मतलब चौथा केस इसके हिसाब से क्या है कि अगर एक सर्कल है वो एक लाइन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करता है, या फिर सोचो मैं ऐसा बोलता हूँ, ऐसा भी तो केस हो सकता है ना, ध्यान से इसको फोकस करोगे क्वेश्चन बनते हैं आप, अगर इस पे फोकस नहीं करोगे, अगर इस पे फोकस नहीं करोगे तो जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपकी बैंड बजा देगा, राइट, आप कितना भी करोगे आप क्वेश्चन हिला नहीं पाओगे, राइट। सो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एट अल्फा कॉमा बीटा, राइट, अल्फा कॉमा बीटा पे अंजलि विश्वकर्मा, सर हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए, तो वृत्त के उन परिवारों का समीकरण बताना है जो कि लाइन रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो को बिंदु अल्फा कॉमा बीटा पर स्पर्श करते हैं, राइट। तो उसको कैसे करेंगे अपन, देखो बोल तो हम हिंदी ही रहे हैं डियर, बस टर्मिनोलॉजीज ऐसे। तो इस पे क्या होगा, मैं कहूं ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है तुम्हारा, ये एल इज इक्वल टू जीरो, राइट, तो एल इक्वल टू जीरो ये लाइन हो गया, शुद्ध हिंदी, हाँ शुद्ध हिंदी एकदम। अब ये बिंदु है पी विच इज अल्फा कॉमा बीटा, तो मुझे बताओ कितने ऐसे वृत्त होंगे, कितने ऐसे सर्कल होंगे जो कि इस लाइन को पॉइंट पी पर टच कर रहे होंगे। लैंग्वेज सारे आसान होते हैं डियर, लैंग्वेज सब सेम होते हैं, है कि नहीं। एक ही चीज मैं कहता हूं कि अगर इंग्लिश टफ होती तो अमेरिका का बच्चा पैदा होते ही इंग्लिश ना बोलता, क्योंकि बच्चे शुरू में टफ चीज नहीं पकड़ते, है कि नहीं। तो अमेरिका का में बच्चा पैदा होते ही इंग्लिश बोलता है, इसका मतलब कि इंग्लिश भी ऐसा ही है जैसे कि हिंदी है कि नहीं। तो बताओ कितने कितने सर्कल्स होंगे जो कि इसको टच करेंगे, कितने सर्कल्स ऐसे होंगे। यस, इनफाइनाइट ना, देखो ऐसे होगा एक सर्कल, दूसरा इन इस फैमिली में इनफाइनाइट सर्कल फिर से आएंगे, राइट। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हमारा फैमिली है सर्कल का ना, अनगिनत, बहुत सही, अनगिनत, राइट, असंख्य, इसको बोलते हैं असंख्य, राइट, असंख्य बोलते हैं इसको शुद्ध हिंदी, राइट। चलो बीच में एक एक शुद्ध हिंदी चिपका दिया करेंगे। चलो तो अब मैं कहूं कि ये तुम्हारा जो सर्कल बिंदु है तो इसको बोलूंगा मैं एस इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, राइट, मतलब ये पॉइंट सर्कल हो गया, राइट, पॉइंट सर्कल हो गया। अब अगर ये पॉइंट सर्कल हो गया तो फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू जीरो, जहां पे एस तुम्हारा पॉइंट सर्कल है ना, लैम्डा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। गाइस बताओ मुझे क्या हमने वृत्त के परिवार को आपको ठीक तरह से समझा दिया, बोलो समझ में आया सबको। हे प्यारे शिष्य, क्या आपको हमारा विद्यादान प्राप्त हुआ, बताइए। दीपाली सरगम सत्य, अच्छा ओके ओके, प्राप्त हुआ, राइट, सब रामायण की महाभारत, राइट, रामायण आजकल शुरू हो गया है कि नहीं। ये क्वेश्चन करते हैं, चलो प्रश्न करते हैं, हाँ तो ठीक ठीक बताया पर लेट कर दिए, अच्छा ओके ओके। सर फिर मुझे तो इतनी शुद्ध हिंदी नहीं आती। कोई देखा ना, बताया ना अभी, अगर हम देखो, अगर मैं तुम्हें शुद्ध हिंदी में पढ़ाऊंगा तो तुम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाओगे, राइट, किम कर्तव्य विमूढ़, डू यू नो द मीनिंग ऑफ किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाओगे। द स्टेट व्हेन यू आर अनेबल टू डिसाइड एनीथिंग, राइट, द स्टेट व्हेन यू आर, मतलब अगर मैं तुम्हें बताता हूँ, द स्टेट व्हेन यू आर अनेबल टू थिंक एनीथिंग, मतलब वो सिचुएशन की जब आप डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करूं मैं, अरे ऐसा कैसे हो गया,
दैट इज समथिंग कि नहीं नहीं ये हिंदी ही है, किम कर्तव्य विमूढ़, ये हिंदी ही है शायद, संस्कृत मिक्स हिंदी है शायद। अच्छा, अंजलि। कोई नहीं, चलो अब एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 1,1 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x-13 3y इक्वल टू 0 एंड दिस, बताओ। ये तुम्हारा S1 है सर्कल, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ये S10 हो गया, ये S2, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, दो सर्कल गिवन है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक हमारा सर्कल पास कर रहा है प्लस एक और पॉइंट 1,1 से भी पास कर रहा है, राइट। तो इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है, तो वी ऑल नो दैट द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल विल बी S1 plus lambda S2 is equal to 0, right? S1 plus lambda S2 is equal to 0, and therefore we can clearly say that x square plus y square plus 13x minus 3y plus lambda 2x square 2y square plus 4x -7y -25, ठीक है, ये चीज क्लियर है अब। आगे बढ़ते हैं, अब अगर अपन ये देखें कि व्हाट इट विल बिकम, 1 plus 2 lambda x square plus 1 plus 2 lambda y square plus 13 plus 4 lambda x plus -3 -7 lambda -2, या मैं इसको ना भी लिखूं तो भी चलेगा, है कि नहीं, 25 lambda is equal to 0। अब गिवन है कि ये सर्किल पास करता है तुम्हारा, दिस सर्किल पासेस थ्रू 0.1,1, राइट, दिस सर्किल पासेस थ्रू 0.1,1, देयरफॉर 1,1 को ये सेटिस्फाई करेगा, 1,1 को सेटिस्फाई करेगा, तो 1 plus 2 lambda plus 1 plus 2 lambda plus 13 plus 4 lambda -3 -7 lambda -25 lambda equal to 0, है कि नहीं। तो 2 lambda 2 lambda 4 lambda, मतलब दो दो आठ, चार चार 8 lambda -7 -32 lambda, एक एक दो 25 -3 22, राइट। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, सी ऑप्शन आ रहा है, ये करेक्ट तो है ना, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही गाइस, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही, मैं यहीं से अगर डायरेक्ट पुट कर दूं, यहां पे ना पुट करूं तो एक्स की वैल्यू 1 एंड वाई की वैल्यू 1 पुट कर दूं अगर, तो यहां से मिल जाएगा 1 plus 1 plus 13 minus 3 plus lambda 2 plus 2 plus 4 minus 7 minus 25 equal to 0। तो एक एक दो 15 minus 3 12 plus lambda into 2 2 4 4 8 minus 32, तो -24 इट इज कमिंग, ओके ओके ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/2, लैम्डा इज इक्वल टू 1/2, तो पुट कर दो वैल्यू यहाँ पे, आ जाएगा जो भी आ रहा है, ठीक है, इट विल कम x square plus y square plus 13x minus 3y plus 1/2 into 2x square plus 2y square plus 4x minus 7y minus 25 equal to 0। क्लियर है एवरीवन, ठीक है ना। तो ये सही, अब दो
फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर 13, 26 प्लस 4 प्लस 30x माइनस 6 माइनस 13y माइनस 25 इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है? फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस 13, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। करेक्ट, बहुत सही। नहीं, सही है, सही है। पिक्चर इज इश्योर, मे बी इट्स द इंटरनेट इशू एट योर इंड, राइट? बिकॉज इट्स फाइन हियर, द क्लियर इमेज इज वेरी क्लियर हियर। बोलो ये क्लियर है सबको? सबको ये क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। हाय मोहित, हाउ आर यू? चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कौन करता है। एक मिनट का टाइम देता हूं पहले मैं तुम्हें, एक मिनट का टाइम देता हूं पहले। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो गाइस। ऑप्शन आया इफ द टेंजेंट जेई में का कट ऑफ कितना है। अरे गाइस वो सब अपन इस बाद में डिस्कस करेंगे, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट पी ऑन द सर्कल दिस वन मीट्स अ स्ट्रेट लाइन 5x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एट अ पॉइंट क्यू ऑन द वाई एक्सिस देन द लेंथ ऑफ पी क्यू इज व्हाट। क्या होगा बताओ? देखो इफ द पॉइंट एट, अच्छा इसके पहले मैं एक चीज और तुम्हें बता दूं गाइस, वो आप आई होप कि आप सबको पता है कि अगर आपके पास कोई भी कॉनिक है, राइट, कोई भी कॉनिक है, लेट से एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, लेट से ये कॉनिक्स का किसी भी कॉनिक्स का जनरल इक्वेशन है, 2gx plus 2fy plus c equal to 0, right? And if you have to write the common equation of tangent at x1 comma y1, तो क्या करते हैं इसके लिए? t is equal to 0 is the equation of tangent, right? And to write t is equal to 0, हम क्या करते हैं? x square को replace कर सकते हैं, replace करते हैं x1 से, y square को replace करते हैं y1 से, x को replace कर सकते हैं करते हैं x plus x1 by 2 से, and y को replace करते हैं y plus y1 by 2 से, है कि नहीं? ये बात clear है? तो इसी तरीके इसको अपन use करके करेंगे, ठीक है? इस concept करके यहाँ पे करेंगे, then if the tangent at the point P on the circle x square plus y square plus 6 x plus 6y is equal to 2 meets a straight line at this point then the length of q, right? और simultaneously हमें ये भी पता है, सरगम एंड एवरीवन, एक चीज और बताओ मुझे, याद होगा सबको, सारी चीजें यहाँ डिस्कस करते हैं। मेरे पास सपोज कि एक पॉइंट पी यहाँ पर हो, दैट इज x1 कॉमा y1, राइट? तो अब ये अगर मैं यहाँ पे करूं, दिस इज द पॉइंट टी एंड दिस इज द पी, राइट? ये इक्वेशन है s इज इक्वल टू 0, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट कितना होता है? हु विल टेल मी व्हाट इज दिस लेंथ ऑफ pt? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस pt बताओ? pt का लेंथ कितना होगा? अच्छा तो यहां से समझ नहीं आ रहा, p इज x1 कॉमा y1, तो इसका लेंथ कितना होगा? अंडर रूट s1, राइट? मींस आप इक्वेशन में x की जगह x1 पुट कर दो, y की जगह पे y1 पुट कर दो, देन इट इज अंडर रूट s1, ठीक है? नेक्स्ट बात जो होती है, कृष्णा गुप्ता हिंदी में ही तो बोल रहे हैं ना डियर, पूरी क्लास तो हिंदी में नहीं कर सकते, इसीलिए तो हम क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज में रखते हैं, राइट?
नहीं, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज रूट एस वन ना, दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, राइट। आपके पास ये कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट हो, वहां से अगर टेंजेंट निकालना है तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ टेंजेंट, दिस इज दिस वन। अब अगर मैं नेक्स्ट चीज एक चीज और करता हूं कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट एक्स वन कॉमा वाई वन, एक कोई भी कॉनिक्स है राइट, ये सबके लिए वैलिड है। लेट से दिस इज ए एंड बी, इसका मिड पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन है राइट, एंड दिस इज अ सर्कल एस इज इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन ऑफ दिस कॉर्ड व्हिच इज बाइसेक्टेड एट मिड पॉइंट एक्स वन वाई वन इज टी इज इक्वल टू एस वन। बोलो ये बात क्लियर है? नहीं, रूट मिलता है डियर, अभी मैं बता रहा हूं ना कि यार दिस इज द लेंथ ऑफ, दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, रूट एस वन इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके, एंड नेक्स्ट चीज जो आती है ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, राइट, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट। आई होप ये सारी चीजें याद है आपको, ये क्लियर है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको करो। इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट पी ऑन द सर्कल दिस मीट्स अ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू जीरो एट अ पॉइंट क्यू ऑन द वाई एक्सिस। अच्छा आदित्य, देखो देखो देखो, तो इफ द टेंजेंट, अगर मैं कहूं ये सर्कल है ठीक है, एट द पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे जब आप टेंजेंट को ड्रॉ करते हो राइट, तो ये मीट करता है, टेंजेंट मीट द स्ट्रेट लाइन एट अ पॉइंट क्यू ऑन द वाई एक्सिस। मतलब ये वाई एक्सिस अगर मान के चलूं मैं, दिस इज द वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस पे एक दूसरे स्ट्रेट लाइन को मीट करता है। दैट इज मान के चलो ये पॉइंट ए है और इसका इक्वेशन है फाइव एक्स माइनस टू वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बोलो सबको क्लियर? तो अब ये पॉइंट ए कौन बताएगा, मुझे बताओ पॉइंट ए का वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट ए हियर, बताओ व्हाट इज द पॉइंट ए। पॉइंट ए के लिए यहां पे एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो फाइव इंटू जीरो माइनस टू वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर टू वाई इज इक्वल टू सिक्स एंड वाई इज इक्वल टू थ्री, मतलब ए इज जीरो कॉमा थ्री, राइट मतलब मुझे निकालना, अच्छा ये क्यू गिवन है, क्यू पे इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट क्यू हो गया तुम्हारा जीरो कॉमा थ्री, तो निकालना है लेंथ पी क्यू का, तो मतलब ये दिस इज द रूट एस वन ना, पी क्यू विल बी रूट एस वन, राइट। एंड रूट एस वन में क्या करोगे, एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे, जीरो स्क्वायर प्लस वाई में थ्री स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू जीरो प्लस सिक्स इंटू थ्री प्लस टू, कितना आया बताओ, अंडर रूट नाइन प्लस एटीन प्लस टू, माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू, अंडर रूट 25 विच इज 5 यूनिट, ऑप्शन इज सी ऑप्शन, 0.3 ओनली नॉट माइनस थ्री। बोलो सबको ये क्लियर है? तो दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, राइट, लेंथ ऑफ टेंजेंट 0.3 होगा, या मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी रूट एस वन। सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करो, बहुत सही, इसको करो जल्दी से। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी 1.8 टू द सर्कल दिस वन टच द सर्कल एट द पॉइंट्स ए एंड बी, द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्राइंगल पी ए बी इज व्हाट। चलो एक मिनट का टाइम ले लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो आराम से, एक मिनट का टाइम है आपके पास। चलो
किसी का आंसर आया क्या? किसी चलो करते हैं क्वेश्चन। सी ऑप्शन, सरगम का सी आ रहा है, सिद्धार्थ का वन आ रहा है। सर हिंदी प्लीज, स्टूडेंट शिवा पूरे क्वेश्चन को डियर ओवन हिंदी में नहीं कर सकते, बट ये देखो ध्यान से यहाँ पे गिवन है कि मैं टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, राइट। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कॉप अप करने के लिए क्या है कि आप अगर हिंदी मीडियम से प्योर हो तो हिंदी मीडियम में जो भी वर्ड्स होते हैं उसको साथ में आप लिख लिया करो, राइट, तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन है, टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट पी कोमा वन कोमा एट फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल दिस टच द सर्कल एट द पॉइंट ए एंड बी, राइट। ये गिवेन है मुझे, ये सर्कल एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो दिस टचेज इट एट ए एंड बी, पॉइंट पी है तुम्हारा 1.8 और ए बी है दिस वन। द इक्वेशन ऑफ द सर्क्यूम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल पी ए बी इज व्हाट, ये बताना है मुझे। कौन बता सकता है बताओ? पी इज 1.8, कैसे करेंगे दिया? एंड जिसका जिसका भी आंसर आया है मुझे बताओ क्वेश्चन को ट्राई कैसे करेंगे। यहां 1.8 है इक्वेशन, सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर विल बी 3.2 ना, माइनस जी कॉमा माइनस एफ से, एंड रेडियस विल बी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, 9 + 4 माइनस माइनस +11, ठीक है ना, √24 दैट इज 2√6, 2√6 इज द रेडियस। फिर से हाँ सरगम, जिसका जिसका आंसर आया गाइस मुझे बताओ कैसे किया आपने। द इक्वेशन ऑफ द सरगम सर्कल ट्राइंगल पी ए बी इज वॉट, ओके चलो तो किया जाए क्वेश्चन को। पहले पता कर लेते हैं ना कि ये इक्वेशंस हैं क्या, व्हाट आर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी 1.8। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट की अगर बात करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, दिस इज ए एंड दिस इज बी। हु कैन टेल मी द वैल्यू ऑफ एपी एंड बीपी? एपी एंड बीपी इज अंडर रूट ऑफ एस वन, राइट, टू नो द नेचर ऑफ द ट्राइंगल। आई एम कैलकुलेटिंग दिस टू नो द नेचर ऑफ द ट्राइंगल। तो रूट एस वन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 + 64 माइनस 6 माइनस 4 8 32 माइनस 11। सॉल्व करो इसको, अंडर रूट 65 माइनस कितना हो जाएगा ये, दिस इज 6 2 8 9 4 49, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 6 4, ये 4 आता है ये 4 आता है, बहुत सही। ओके गाइस कैन यू टेल मी दिस एंगल, इसका मुझे निकालना है सर्क्यूम सर्कल। तो सर्क्यूम सर्कल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालू तो यहां से पास करेगा, राइट, यहां से इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, इसका इक्वेशन निकालेंगे। वन कॉमा एट ऑप्शन में रखकर, 1.8 ऑप्शन में रख देंगे, दैट्स ओके अंशु, बट क्या सब में रख के चेक करोगे आप? क्या सब में रख के चेक करोगे? ये तो आंसर तब वर्क करेगा ना जब आपका मान लो कि दो में आ रहा है, सिंगल करेक्ट आंसर है और आपका दो में आंसर ऐसा आ रहा है, तो कैसे करोगे उस केसेस में, राइट। तो यहां बहुत सिंपल सा तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, आपको चाहिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट, आपको नेचर ऑफ द ट्राइंगल नहीं पता है, राइट। तो पहली बात मैं ये देख लेता हूं कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो बड़े आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो एक काम करो,
एक काम करो, पहले ये निकाल लेते हैं हम लोग कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस वन। तो 36 प्लस 4, हाँ परपेंडिकुलर यहां निकालना है मुझे, इक्वेशन इसका इसका चाहिए। तो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ, देखो ज्वाइंट इक्वे, हाय शंकर, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एपी एंड बीपी कितना होगा? दिस इज एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, है कि नहीं? एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर में आप सॉल्व करके यहां से ज्वाइंट इक्वेशन निकाल लेंगे। और सपोज कि मेरे पास ये इक्वेशन आ गया इस तरह का, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो गाइस ध्यान से सुनो एक बार, इसको अगर मैं यहां पे निकालूंगा तो इसके बीच का एंगल कितना होता है? टेन थीटा इज ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, राइट? तो यहां से आप ये पेयर ऑफ, और दैट्स वाई ये इस एडवांस का क्वेश्चन है, राइट? एडवांस का क्वेश्चन आपके मेंस में आता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, अदरवाइज मैं इसको यहां पे ना लेता, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको पेयर ऑफ इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और पेयर ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन मेंस में नहीं आते, जिसको मैंने इसीलिए स्ट्रेट लाइन के बाद मैंने स्किप कर दिया था पोर्शन, बट बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो आपके लिए काम करना है, मैं जिसको भी जिसने भी आप जो भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है उसके लिए मैं होमवर्क देता हूँ कि एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर से ज्वाइंट इक्वेशन निकाल लो एपी एंड बीपी का, उसके बाद इनका सेपरेट इक्वेशंस निकाल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन, एंड देन इजिली यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है? अदरवाइज दूसरा ऑप्शन, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप जो है इसको 1.8 सेटिस्फाई करके चेक करो, बट इसमें ये तभी वर्क करेगा अगर सिर्फ एक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा हो, अगर दो करेगा तो आपको अगेन प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? तो दिस इज द इशू। अच्छा एक एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का, एक तरीका और है इस क्वेश्चन, देखो फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को, एक और तरीका है करने का विदाउट यूजिंग द पेयर ऑफ इक्वेशन। मैं अगर ऐसे बोलूं कि टेन, गाइज एवरीवन फोकस, देखो एक बहुत अच्छा तरीका मिल गया विदाउट दिस वन। मेरे पास ये पॉइंट एक्सटर्नल गिवन है, ठीक है, यहां से ये मिला एंड दिस वन इज हियर। अब अगर मैं कहूं कि ये तुम्हारा क्या है, दिस इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट पी 1.8, राइट? तो एवरीवन मुझे बताओ इक्वेशन ए बी की क्या होगी? क्या मैं ए बी का इक्वेशन टी इज इक्वल टू जीरो लिख सकता हूँ यूजिंग द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट? बोलो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से मैं इसको लिख सकता हूं, अब अगर इज इट विजिबल, एक मिनट, ओके तो अब देखो t इज ओके, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है? तो ए बी का इक्वेशन t इज इक्वल टू जीरो, तो मैं इसको कर सकता हूं क्या, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस सिक्स इंटू एक्स को रिप्लेस कर दो x प्लस एक्स वन बाई टू माइनस फोर वाई को रिप्लेस कर दो y प्लस वाई वन बाई टू माइनस इलेवन इक्वल टू जीरो, राइट? तो ये जाएगा x इंटू वन दैट इज x प्लस y इंटू वाई वन एट वाई माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन माइनस टू इंटू वाई प्लस एट माइनस इलेवन इक्वल टू जीरो, राइट? तो ए बी का इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स एट वाई माइनस टू वाई प्लस सिक्स वाई माइनस थ्री माइनस सिक्सटीन माइनस थ्री माइनस सिक्सटीन माइनस इलेवन इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कर लो, इसका इक्वेशन कितना आएगा, माइनस टू एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस ग्यारह तीन चौदह माइनस थर्टी इज इक्वल टू जीरो, राइट? तो इट विल बिकम एक्स माइनस थ्री वाई प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो। एवरीवन ये क्लियर है क्या, ये क्लियर है सबको? एंड मुझे निकालना है, प्लीज एक्सप्लेन, ए बी सेज दैट टी इक्वल टू जीरो। पृथ्वीराज ए बी इज टी इक्वल टू जीरो, मैंने ये एक्सप्लेन किया कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन क्या होता है। अगर आपके पास सोचो कि ये सर्कल है और ये एक पॉइंट है, यहां से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने वाला लाइन होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट
कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या होता है, टी इज इक्वल टू जीरो ना, वहां से किया मैंने। अब देखो जो मुझे सर्कल निकालना है, दैट सर्कल इज लाइक दिस, वो तुम्हारा सर्कम सर्किल है इसका, राइट? मतलब दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू दिस सर्कल, एस इज इक्वल टू जीरो एंड दिस लाइन एल इज इक्वल टू जीरो। तो यूजिंग फैमिली ऑफ सर्कल आई कैन राइट एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू जीरो, इसका इक्वेशन विल बी एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू जीरो, राइट? ये ज्यादा इजी तरीका है कि नहीं? एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू जीरो। अब s प्लस लैम्डा में क्या हो जाएगा, s की वैल्यू है तुम्हारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर वाई माइनस इलेवन प्लस लैम्डा इंटू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो, राइट? एंड दिस इज ऑल्सो पासिंग थ्रू पॉइंट पी, राइट, विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1,8। तो 1,8 पुट करके यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, 1 प्लस 64 माइनस 6 माइनस 88, नो नो, माइनस 4 8 32 माइनस 11 प्लस लैम्डा इंटू 1 माइनस 24 प्लस 15 इक्वल टू जीरो, राइट? तो क्या हो जाएगा, 65 माइनस, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल के पुट कर दो वापस इसमें, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल। सॉल्व करके बताओ लैम्डा की क्या वैल्यू आ रही, सॉल्व करके बताओ लैम्डा की क्या वैल्यू आ रही, 65 माइनस, ये पे ज्यादा हमने टाइम ले लिया, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको लैम्डा की वैल्यू आप निकालो और वापस पुट कर दो, बहुत आसानी से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। यस प्रतीक राज, क्या बात है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ रहा है क्या? 16 माइनस 8 लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ रहा है, और लैम्डा की वैल्यू अगर मैं 2 यहां पे पुट करूं तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4x एंड माइनस 4y माइनस 6y माइनस 10y माइनस इधर आया 11 एंड 15 टू जा 30, 30 माइनस 11 प्लस 19। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दिस इज अ सब्जेक्टिव, राइट, ये सब्जेक्टिव अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्लियर? अच्छा ओके चलो, तो ये एक तरीका है, उसको आप उस तरीके से, जिनने भी जिसने भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है वो उसको उस तरीके से भी ट्राई कर लेना घर पे, ये दूसरा तरीका है। चलो अब एक काम करते हैं हम लोग कि ऑर्थो की कोशिश करते हैं, राइट, व्हाट इज द ऑर्थोगोनल सर्कल, सी दिस वन। ऑर्थोगोनल सर्कल का एक कंडीशन होता है, सी, ऑर्थोगोनल सर्कल्स आर दो सर्कल विच कट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो मैं मान के चलूं अगर यहां पे कि ये ऑर्थोगोनल सर्कल का कंडीशन क्या है, सी दिस वन, ऑर्थोगोनल सर्कल्स, एक सर्कल ये है, राइट, और एक सर्कल ये है, तो सर्कल्स आर दोज विच टच ईच अदर एट 90 डिग्री, राइट? तो ये मान के चलो कि C1 एंड C2 है, राइट, और ये तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे टच कर रहा है तो एक दूसरे के टेंजेंट्स विल पास थ्रू द सेंटर और टेंजेंट्स के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री का, ये बात क्लियर है ना? एंड ये C1 C2, तो यहां से मैं कह सकता हूं अगर ये पॉइंट P है तो यहां से C1 C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू C1 P का होल स्क्वायर प्लस C2 P का होल स्क्वायर, ठीक है? अब C1 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस G1 कॉमा माइनस F1, एंड C2 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस, हेलो प्रतीक राज बोल तो रहा हूं भाई, एंड रेडियस R1 R2 की वैल्यू कितनी होगी, R1 विल बी अंडर रूट ऑफ G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 एंड R2 विल बी अंडर रूट ऑफ G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। ये बात क्लियर है क्या सबको? हाय रिशु, ठीक है, अब ये क्लियर, हेलो शीतल हाउ आर यू। चलो तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको ट्राई करते हैं समझने के, C1 C2 का होल स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर यूज करें तो C1 C2 माइनस G2 प्लस G1
माइनस जी टू प्लस जी वन का होल स्क्वायर राइट, प्लस माइनस जी एफ टू प्लस एफ वन का होल स्क्वायर इज इक्वल, इसका होल स्क्वायर राइट इज इक्वल टू अंडर रूट जी वन स्क्वायर प्लस एफ वन स्क्वायर माइनस सी वन का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ जी टू स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर माइनस सी टू का होल स्क्वायर। अच्छा थैंक यू प्रतीक राज, बोलो ये बात क्लियर है। अब अगर मैं ये करूं यहां से तो क्या मिलेगा मुझे कि जी टू प्लस जी टू माइनस जी वन का होल स्क्वायर राइट, तो जी टू का स्क्वायर प्लस जी वन स्क्वायर माइनस टू जी वन जी टू, एफ वन प्लस एफ टू का होल स्क्वायर विल बिकम एफ टू स्क्वायर प्लस एफ वन स्क्वायर माइनस टू एफ वन एफ टू इज इक्वल टू जी वन स्क्वायर प्लस एफ वन स्क्वायर माइनस सी वन प्लस जी टू स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर माइनस सी टू। बोलो ये बात क्लियर है ठीक है। तो जी टू स्क्वायर कैंसिल्ड, एफ वन स्क्वायर कैंसिल्ड, एफ टू स्क्वायर कैंसिल्ड, जी वन स्क्वायर कैंसिल्ड, मिल जाएगा हमें माइनस टू जी वन जी टू माइनस टू एफ वन एफ टू इज इक्वल टू माइनस सी वन माइनस सी टू। तो थैंक यू प्रतीक राज, थैंक यू डियर। तो इसका कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी क्या आ जाएगा, टू जी वन जी टू इज इक्वल टू प्लस टू जी वन जी टू प्लस टू एफ वन एफ टू इज इक्वल टू दिस वन राइट, एंड दिस इज योर कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल सर्कल्स। सर यू आर ऑल्सो माई बेस्ट टीचर। अच्छा थैंक यू। सो बस एक काम किया करो कि अगर जस्ट आप एक फीडबैक दे सकते हो, एवरीथिंग इज अप टू यू राइट, आप बस क्लासेस करते रहो, ये सबसे बड़ा फीडबैक है हमारे लिए राइट। आप क्लासेस को मत छोड़ो, और जो भी इस समय घर में है राइट, जो भी घर में है कहीं पे अगर उसको दिक्कत हो रहा है, किसी भी तरह का डाउट्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आकर इंस्टा सॉल्व के ऐप पर आकर वो क्लास की पढ़ाई कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट फीडबैक विच यू कैन गिव मी राइट। और सिंपल, क्योंकि अपन लोग घर से क्लास ले रहे हैं सिर्फ इसीलिए ले रहे हैं राइट, अदरवाइज हमारा नॉर्मल क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे चलते थे है कि नहीं, बट यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं कि जिनका जो कॉन्टिन्यूटी बना था वो कभी ना छूटे। सर योर बेस्ट एक्सप्लेनेशन इन माई लाइफ। अच्छा थैंक यू प्रतीक राज। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया सबको ना, बढ़ते हैं आगे। चलो ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन 2x plus 3y plus 1 is equal to 0 at 1 comma minus 1 and cutting orthogonally the circle having line segment joining this as the diameter। Your best teacher in app। अच्छा थैंक यू। सरगम जो डाउट हुआ करे ना इस क्लास के अलावा, वो आप इंस्टा सॉल्व के ऐप पर पूछ लिया करो, और जो क्लासेस होते हैं उसके लिए हम आते हैं। तो देखो अब यहां पे क्या किया मैंने कि एक इक्वेशन ऐसा है हमारा, ओके कृष्णा, तो आई होप कि आप कंटिन्यू रखो यहां से। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग द लाइन दिस वन एट पॉइंट वन कॉमा माइनस वन। तो देखो बहुत आसानी से आ गया ना हमारे पास एक, ये वाला जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि अपना जो ये है राइट, ये लाइन एल इक्वल टू जीरो हो गया। अब ये इस पॉइंट पर इसको टच कर रहा है, पॉइंट इज वन कॉमा माइनस वन राइट। तो हमारा जो सर्कल है, दैट इज टचिंग दिस गिवन लाइन एट दिस गिवन पॉइंट। बोलो ये बात क्लियर राइट। तो अब ये मान के चलो कि ये ऐसा सर्कल है लेट से राइट, ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल एस इज इक्वल टू जीरो हो गया, और ये सर्कल ट्रिग्नोमेट्री सरगम हम कर चुके हैं डियर राइट, ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज जो है वो दूसरे सर्कल को ऑर्थोगोनली कट भी कर रहा है राइट। कौन सा सर्कल, जिसके डायमीटर के इंड्स गिवन है, डायमीटर के इंड्स, ये मान लो एस डैश इज इक्वल टू जीरो है, इसके इंड पॉइंट्स गिवन है माइनस टू कॉमा माइनस वन एंड दिस इज जीरो कॉमा थ्री। बोलो ये बात क्लियर है क्या। ठीक है, तो ये गिवन है मुझे। अब इसको कैसे किया जाए थोड़ा सा सोचो कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को। ऊपर वाले लाइन को 1 कॉमा माइनस 1 पे टच करता है एंड इस सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करता है राइट। सो इसको बड़े आसानी से मैं कह सकता हूं कि लेट सर्कल एस का इक्वेशन हो जाएगा अपने मतलब सर्कल विल बी एस प्लस लैमडा एल इज इक्वल टू जीरो। तो ये पॉइंट सर्कल जो है उसको मान के चलते हैं कि मान लो एस टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा पॉइंट सर्कल, तो एस टू प्लस लैमडा एल इक्वल टू जीरो कर सकते हैं।
और एस टू जो पॉइंट सर्कल है दैट इज एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस वन वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बिकम एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा एल, एंड एल इज टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। बोलो गाइज, ये इक्वेशन सर्कल का मिल गया। अंजलि, बाकी सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, आप एक बार देखो तो ऐप पर आपको मिल जाएगा, वीडियो यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, राइट। तो इसको देखो, देखा करो बस। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं कहूं कि दिस इज द सर्कल, तो इसको ओपन करूं तो क्या मिल जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टू एक्स यहां से मिलेगा तो टू लैम्डा प्लस वन एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री लैम्डा प्लस टू वाई, ठीक है। तो इसको मैं कहूंगा थ्री लैम्डा प्लस टू वाई प्लस वहां से वन प्लस वन टू प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां से जी की वैल्यू कितनी आई, जीवन की वैल्यू, इसको सर्कल को जीवन की वैल्यू कितनी आई, माइनस ऑफ लैम्डा प्लस वन। यहां से जी टू की वैल्यू कितनी आई, माइनस ऑफ थ्री लैम्डा प्लस टू बाई टू, एंड सॉरी एफ वन की वैल्यू एंड सी वन की वैल्यू आ गई टू प्लस लैम्डा, जो अब ये दूसरे सर्कल को जो इंटरसेक्ट कर रहा है ऑर्थोगोनली, उस सर्कल का इक्वेशन क्या है। YouTube पर आपको आस्क आईडियंस के चैनल पे मिल जाएगा, और कुछ दिनों बाद आपको इंस्टा सॉल्व के चैनल पर भी मिल जाएगा, राइट। तो आप एक काम करो, आप इंस्टा सॉल्व के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि इसके बाद जो क्लासेस जो भी होंगी, मतलब इस जेई कोर क्रैश कोर्स के बाद, वो इंस्टा सॉल्व के चैनल पर चलेगी। अभी तो आस्क आईडियंस पर मिल जाएगा आपको। तो मुझे बताओ एस डैश का इक्वेशन क्या होगा। ये पैरामीट्रिक डायमेट्रिकली फॉर्म है ना, एक्स वन वाई वन अगर इंट्स ऑफ द डायमीटर हो, तो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वेशन होता है, तो इट विल बिकम व्हाट, एक्स माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस टू प्लस वाई माइनस थ्री इंटू वाई माइनस माइनस वन वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, दिस इज द इक्वेशन। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू वाई, एंड यहां से क्या मिलेगा, माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से ध्यान से देखो, तो जी टू की वैल्यू आ गई वन। अच्छा गाइस, जी वन इज ओनली प्लस, ओके यहां माइनस नहीं होगा, ये तो जस्ट वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ओके। एंड जी टू इज वन, एफ टू की वैल्यू कितनी होगी बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ टू। इंस्टा सॉल्व यूजर क्या पूछ रहे हो, अरे वो क्वेश्चन आप इंस्टा सॉल्व के ऐप पर पूछ लो, ओके। उसको आप इंस्टा सॉल्व के ऐप पर पूछ लो, आपको पता चल जाएगा। यहां पे हम ये क्वेश्चंस करते हैं, बताओ एफ टू की वैल्यू क्या होगी, यहां पे एफ टू की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन, एंड सी टू की वैल्यू माइनस थ्री, राइट। तो मुझे पता है कि अगर ऑर्थोगोनली ये कट करते हैं, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, टू जी वन जी टू प्लस टू एफ वन एफ टू इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, क्योंकि ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली टच कर रहे हैं, राइट। तो टू इंटू जी वन, जी वन इज कितना, लैम्डा प्लस वन, राइट, लैम्डा प्लस वन। टू इंटू जी टू, इंटू जी टू, जी टू इज वन प्लस टू एफ वन एफ टू, एफ वन इज थ्री लैम्डा प्लस टू अपॉन टू, इंटू एफ टू इज माइनस वन इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, सी वन इज टू प्लस लैम्डा माइनस थ्री। तो कितना होगा, टू लैम्डा प्लस टू प्लस थ्री लैम्डा, इसको देखो ध्यान से, तो टू से टू कैंसिल आउट हो गया, माइनस थ्री लैम्डा माइनस टू इज इक्वल टू लैम्डा माइनस वन। सॉल्व करो, लैम्डा दिस वन एंड दिस वन कैंसिल्ड, ये बना आपका माइनस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा माइनस वन, तो टू लैम्डा इज इक्वल टू वन एंड लैम्डा इज इक्वल टू वन बाई टू, राइट, लैम्डा इज इक्वल टू वन बाई टू। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो गया, देयर फोर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल विल बिकम, यहां पे पुट कर देंगे, राइट, क्या हो जाएगा ये, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन बाई टू इंटू टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, राइट। इसको सॉल्व कर लो, वन बाई टू इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, राइट, इसको सॉल्व कर लो क्या आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर
प्लस 2y² तो -2x, -4x, -2x, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, -2y तो -4y प्लस 3y -y, 1 1 2 2 जा 4 प्लस 1 5, ये आ गया आपका रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन। ठीक है, 2x² प्लस 2y² -2x -y प्लस 5 इक्वल टू 0, एक बार चेक कर लेना, अगर कैलकुलेशन एरर नहीं है तो एवरीथिंग इज फाइन, राइट? दिस इज द आंसर। आई एम श्योर कि ये चीजें आपको समझ में आई। बोलो क्लियर है सबको? सबको ये क्लियर है गाइस? ठीक है, वेरी गुड। सो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ सब्जेक्टिव, मतलब पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। अ टेंजेंट पी टी इज ड्रॉन टू द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 एट अ पॉइंट पी √3,1। ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन एल परपेंडिकुलर टू पी टी इज टेंजेंट टू द सर्कल x-3 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 1, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ पॉसिबल इक्वेशन ऑफ एल इज व्हाट। चलो मेरे साथ साथ करो आप सब, ठीक है, मेरे साथ साथ करोगे? या मैं पहले आपको 1-2 मिनट देता हूं सोचने के लिए, फिर मैं सॉल्व करता हूं। ओके, ए ऑप्शन आ रहा है। ओके चेक करते हैं आंसर गाइस, यहां 2012 लिखा होता है तो इसको देख के आप आंसर सर्च मत करना। चलो करते हैं क्वेश्चन को। अ टेंजेंट पी टी इज ड्रॉन टू द सर्कल दिस वन, सर्कल हमारा क्या है x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, राइट, 2 रेडियस। ठीक है, एट द पॉइंट √3,1, √3,1 पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, दैट इज द पी टी, पी टी, राइट? तो पी टी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x(x1) प्लस y(y1) -4 इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू √3 है, तो देयरफॉर इट विल बिकम √3x प्लस y -4 इक्वल टू 0, राइट? अब गिवन है कि ये पॉइंट P हो गया, अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू PT इज टेंजेंट टू द सर्कल x-3 प्लस y इक्वल टू, इस सर्कल पर भी टेंजेंट है, राइट? तो ये जो सर्कल है, दूसरा सर्कल है वो है x-3, मतलब 3,0 इज द रेडियस सेंटर एंड 1 इज द रेडियस। तो ये जो हमारा पी टी है, दिस पी टी इज ऑल्सो टेंजेंट टू दिस वन, मतलब कि पी टी से 3,0 से पी टी पर जो डिस्टेंस निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस, राइट? तो अब 3,0 से यहां डिस्टेंस निकालो तो कितना हो जाएगा, ये बताओ कितना हो जाएगा ये 3,0 से। बट सॉरी पी टी नहीं, पीटी के जो परपेंडिकुलर लाइन है वो, दैट इज द परपेंडिकुलर टू, दैट इज द टेंजेंट टू द अदर सर्कल। तो एन इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू पी टी, याद हो अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैमडा इज इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर क्या होता है, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैमडा इज इक्वल टू 0। तो यहां से बी मतलब 1, एक्स माइनस ए वाई मीन्स √3y प्लस लैमडा इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है एक्स माइनस √3y प्लस लैमडा इक्वल टू 0। नाउ दिस इज परपेंडिकुलर हियर, तो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द रेडियस, एंड रेडियस कितना है इसका, 1 है। तो मतलब 3 माइनस √3 इंटू 0 प्लस लैमडा अपॉन अंडर √1 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो लैमडा प्लस 3 मॉडुलस इज इक्वल टू 2, राइट? तो इसका मतलब लैमडा प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, एंड फ्रॉम हियर लैमडा इज इक्वल टू -2 -3 -5 एंड 2 -3 -1। तो पुट करो x माइनस √3y -5 इक्वल टू 0, वन इट कुड बी वन पॉसिबल आंसर, x माइनस √3y -1 इक्वल टू 0 इट कुड बी वन पॉसिबल आंसर। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दिस इज नॉट गिवन बट दिस इज गिवन, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
करेक्ट दोनों है गाइज, ये मैं सोचना पहले वाला गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसी का सेकेंड पार्ट है, जिस पैराग्राफ क्वेश्चन, अ कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू सर्कल्स इज। तो गाइज अगर आपको याद हो तो आप सबको पता है कि ये अगर सर्कल है, राइट, दिस इज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड एक लाइन है विच इज टेंजेंट टू दिस, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू दिस, ये सेंटर 0,0 है, राइट। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस पे टेंजेंट है, तो हमें एक कंडीशन निकल के आता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट। इसका मतलब सी हैज टू बी इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसका मतलब कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बिकम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। बोलो ये बात क्लियर है? एवरीवन टेल मी इज इट क्लियर ना? अब अगर ये सही है तो मेरे को दो सर्कल का इक्वेशन कॉमन टेंजेंट निकालना है। एक तो तुम्हारा ये है और दूसरा सर्कल है ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो क्या होगा। अब मैं कहूं अगर कि इसका एक टेंजेंट होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस टू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट। मतलब एम एक्स माइनस वाई प्लस माइनस टू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इज दिस लाइन, बट दिस इज टेंजेंट टू द अदर वन ऑल्सो, राइट। दिस इज टेंजेंट टू द अदर वन ऑल्सो ना? तो अगर दूसरे को भी ये टेंजेंट है तो दूसरे के सेंटर से भी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके रेडियस के बराबर होगा। थैंक यू अंजलि, राइट, उसके भी होगा। अब अगर मैं कहूं कि दूसरे के भी परपेंडिकुलर से इसका डिस्टेंस बराबर होगा, तो मतलब उसका सेंटर कितना है 3,0 है और दूसरे वाले का रेडियस कितना है 1। तो अब तुम 3,0 से इस लाइन का डिस्टेंस, ये टी है ये पी है, तो पी टी की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, और पीटी होगा कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओ, एम इंटू थ्री, 3m माइनस 0 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एम स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 इज इक्वल टू दिस मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सॉल्व करने पे मुझे मिला 3m प्लस माइनस, मतलब मैं सॉल्व कर ही रहा हूं, नो नीड टू वरी, इज इक्वल टू 3m प्लस माइनस 2 रूट एम 1 प्लस एम स्क्वायर मॉड्यूलस इज इक्वल टू रूट एम स्क्वायर प्लस 1। अब गाइस सुनो ध्यान से, ये मॉड्यूलस है, राइट, ये मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस तो तुम्हारा कभी भी, मॉड्यूलस तो कभी भी तुम्हारा निगेटिव के इक्वल तो हो ही नहीं सकता ना, तो इसलिए तुम्हारा पॉजिटिव ही होगा, मॉड्यूलस ऑलवेज पॉजिटिव ही तो होगा, या फिर राइट, या फिर चलो मैं ऐसा समझ लेता हूँ, प्लस माइनस लेते हैं, प्लस माइनस रूट एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब अगर मैं पॉजिटिव साइन लूँ यहाँ पे, सॉल्व करके एम की वैल्यू निकालो, दोनों केसेस में सॉल्व करके एम की वैल्यू निकाल लो बस जल्दी से। तो अगर पॉजिटिव केस लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 3m इज इक्वल टू, 3m इज इक्वल टू, एक मिनट, मॉडुलस एक्स वॉज पॉजिटिव, ओके तो ये कितना हो जाएगा, यहां से सॉल्व करो, इट विल बिकम 3m इज इक्वल टू